लोकसभा चुनाव के अंतिम दो चरणों को साधने के लिए पीएम मोदी ने प्रचार और तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री आज दोपहर 12:30 बजे उत्तर प्रदेश के बस्ती और करीब 2:30 बजे श्रावस्ती में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मिशन दिल्ली पर निकलेंगे, जहां छठे चरण में 7 सीटों पर मतदान होना है। पीएम शाम 6 बजे दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 के डीडीए पार्क में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पुणे के हिट एंड रन केस में पुलिस ने गाड़ी चला रहे नाबालिग के पिता को संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। पिता के अलावा पुलिस ने नाबालिग को शराब देने के जुर्म में होटल के मालिक और 2 मैनेजर्स को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में विपक्ष ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया और पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग की, जिस पर सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है, कौन मदद कर रहा है, कौन है ये पुलिस कमिश्नर? सस्पेंड करो, नहीं तो पुना की जनता को सड़क पर उतरना होगा। जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के विवादित बयान पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने नाराजगी जताई। सत्येंद्र दास ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के काम और सफलता को देखकर सभी विरोधी पार्टियां घबरा गई हैं और जो उन्हें रावण की उपाधि दे रहा है वो खुद रावण है। बता दें कि नाना पटोले ने बीते दिनों सीएम योगी के भगवा कपड़े पहनने पर बयान दिया था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। जो उनको रावण की उपाधि दे रहा है वह स्वयं रावण है। जो रावण है वही रावण को कह सकता है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी वो सम्मानित व्यक्ति हैं। देश के तमाम राज्यों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आगामी 5 दिनों के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की माने तो तमिलनाडु और केरल में आगामी 2 से 3 दिनों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन बाकी राज्यों में अभी गर्मी कम होने के आसार नहीं है।